हाय दोस्तों, हाउ आर यू। टॉनी गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको लगाना सिखाऊंगा मूली। अपने छोटे से टेरिस गार्डन में या किचन गार्डन में आप लगा सकते हैं और ढेर सारा मूली ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको मूली का बीज चाहिए। तो ये मैंने मंगाया था, देखिए नर्सरी से ये मूली है। ये बहुत ज़बरदस्त मूली है। ये लंबा होता है, आपको लंबे पॉट में लगाना है ताकि इसका ग्रो जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा ग्रो होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, किस तरह लगाना है, किस तरह क्या करना है। आप छोटे से गार्डन में, टेरेस में, कहीं भी लगा सकते हैं मूली। तो मैं लगाऊंगा छोटा सा गमला में ताकि आप देख के अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो टॉनी गार्डन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं हर दिन आपको एक नया वीडियो दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मूली किस तरह लगाइएगा वो मैं दिखाता हूँ आज आपको। अब दोस्तों मैं मूली लगाना सिखाऊंगा आपको। ये देखिए मूली, ये मैंने है, ये बहुत ज़बरदस्त सीट है। आप इसमें लंबे मूली ले सकते हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए आपको इसको कट कर लेना है। इसको काट लीजिए यहाँ से, ये देखिए मैंने कट कर लिया। अब इसको, इसके बीज को, ये देखिए बीज, इसको आपको ओवरनाइट के लिए रख देना है फूलने के लिए। ले लीजिए और इसमें बीज दे दीजिए आपको जितना ज़रूरी हो। मैं ज़्यादा लूँगा, ये देखिए मैं इतना लूँगा। ये मैं गमले में ग्रो करूँगा दोस्तों, मेरा किचन गार्डन है। तो ये बीज आपको ले लेना है और इसमें पानी दे देना है आपको। आप 2 दिन के लिए रख सकते हैं, 3 दिन के लिए रख सकते हैं, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसमें पानी दे दिया दोस्तों, ये देखिए। तो मैं इसको 2 दिन के लिए पानी में रख दूँगा। ये मेरा मूली का बीज है, मैं ग्रो करना भी सिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं पानी में रख देता हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद आपसे मिलते हैं, इसे ग्रो करना मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये ट्रे में मैं मूली उगाना सिखाऊंगा आपको। तो देखिए मूली किस तरीके से लगाना है आपको, वो सीख लीजिए। ये देखिए मूली का बीज जो ओवरनाइट के लिए मैंने पानी में रखा था, ये पूरा फूल चुका है, ये देखिए। तो इसे किस तरीके से लगाना है आपको वो देख लीजिए। पहले आपको लाइन बना लेना है दोस्तों, इस तरीके से। ये देखिए मैं किस तरीके से लाइन बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लाइन बना लेना है और फिर इस तरीके से बीज को लेना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से बीज को आपको ग्रो करना है। लाइन लाइन में बीज देना है, जितना अच्छा दीजिएगा उतना अच्छा घना निकलेगा। फिर आपको उसको हटा लेना है बाद में, साग, मूली के साग लेने के बाद आपको मूली लेना है इसी से। तो उसके लिए आपको जितना एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा मूली का, उसे आपको निकाल लेना होगा दोस्तों। ये देखिए मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, ये देखिए लाइन लाइन करना है आपको दोस्तों, थोड़े थोड़े दूर पर। ये देखिए मैंने क्यारी बना लिया दोस्तों, ये देखिए इसी तरीके से आपको क्यारी बना लेना है मूली में, ये देखिए। तो इसको भी लाइन लाइन ले लेना है दोस्तों, ये देखिए। जब आपको घना हो जाएगा तो आप उससे साग निकाल लीजिएगा, मूली के लिए साग, और जो बचेगा उससे आप मूली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्यारी फिर से बना लेना है दोस्तों, ये देखिए मूली के बीज। ये देखिए पानी को मैं फेंक देता हूँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा लंबे लंबे से निकाल लेना है। देखिए मैं किस तरीके से बराबर कर लिया, इसी तरीके से आपको कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, तो दोस्तों अब ये आपको मिट्टी अप्लाई कर लेना है। तो ये देखिए मेरा गार्डन सॉइल जो बनाना सिखाया था आपको, इसी को ऊपर से अप्लाई कर दीजिए अच्छे से। देखिए मैं किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ बीज को ढक लेना है दोस्तों और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बीज को ढक लेना है। ये देखिए सिर्फ बीज को आपको ढक देना है अच्छे से। तो इसी तरीके से आप अपने घर पे, टेरेस पे, अपना गार्डन पे मूली उगा सकते हैं।
तो इसमें ग्रो होने से लेके फल आने तक का मैं सब्जी जो बन जाएगा मूली उसका अपडेट मैं दूंगा आपको। तो मेरे वीडियो को बने रहिए दोस्तों, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपको हमेशा दे सकूं। तो ये देखिए मैंने पूरा बीज को कवर कर लिया, अब ये मेरा ग्रो होने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मूली का बीज मैंने लगाना सिखाया था वो अब ग्रो हो चुका है, तो इसको हटा लीजिए। ये देखिए, ये छोटे से कंटेनर में मैंने लगाना सिखाया आपको। ये देखिए बीज अब बाहर आ चुका है। ये बीज लगाने का 2 दिन का बाद का अपडेट है दोस्तों, ये पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा अपडेट दूंगा इसका। तो मेरे वीडियो को बने रहिए। ये छोटा सा कंटेनर है, देख लीजिए दोस्तों, किचन गार्डन में आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए मूली मेरा बारिश होने के चलते गल चुका है और कुछ है। ये मूली मूली ग्रो हो चुका है दोस्तों। ये मूली का पौधा है, देखिए कितना अच्छा ग्रो हुआ है, फिर भी आधा से ज़्यादा गल चुका है बारिश में। ये देखिए दोस्तों, जो छोटे कंटेनर में मैंने मूली उगाया था कितना सारा हो चुका है देख लीजिए, फिर भी बारिश के कारण आधा से ज़्यादा गल चुका था दोस्तों, फिर भी ये मूली अभी ग्रोथ में है। आप देख सकते हैं इसमें मूली बनना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो मैं इसे जब हार्वेस्ट करूँगा तो उसका वीडियो मैं डालूँगा। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो इसको बीच बीच से आपको हार्वेस्ट कर लेना है, जो ज़्यादा हो चुका है इसे आप भाजी बनाने के काम में ला सकते हैं, और कुछ रह जाएंगे वो मूली में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो घना जो ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, उसको आप इस तरीके से हार्वेस्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने निकाल लिया, आपको जितना घना है उसको हल्का कर लेना है दोस्तों। ये देखिए जो बीच बीच में घना हो चुका है उसको बीच से आप निकाल लीजिए इस तरीके से। ये देखिए इसे भाजी बनाने के काम में ला सकते हैं आप दोस्तों। तो ये मूली मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें मूली आना बाकी है। ये देख सकते हैं इसमें मूली भी आ चुका है दोस्तों। तो मैं कुछ पौधे रख दूंगा मूली के लिए और कुछ हार्वेस्ट कर लूँगा। तो चलिए ये देखिए, तो आपको कुछ ही पौधे उखाड़ना है और कुछ मूली के लिए रख देना है। तो ये देखिए मैं किस तरह खाली किया हूँ, जो बीच बीच में है इस सबको मूली के लिए मैंने रख दिया है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मूली के लिए मैं रेडी रखता हूँ। अब मूली आने तक मेरे वीडियो में बने रहिए। मूली तो आ चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं, फिर भी ये मूली और बड़ा होगा। तो ये छोटे से कंटेनर में आप भी घर पर मूली उगा सकते हैं, ये मैंने बीच से उगाया। तो चलिए दोस्तों, अब मूली कंप्लीट होने के बाद मैं हार्वेस्ट करूँगा। ये दोस्तों मेरा मूली अब हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं मूली बन के रेडी है। ये देखिए जो सफ़ेद मूली मैंने लगाया था उसी के बीच में मैंने रेड मूली भी लगाया था, ये देखिए 1-2 पीस है, और इसमें सफ़ेद मूली देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप छोटे से पॉट में अपने टेरेस पर ढेर सारा मूली उगा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ग्रो हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना हरा भरा बेस्ट है। और ये पॉट देख सकते हैं कितना छोटा पॉट है, ये देखिए इतने छोटे पॉट में आप मूली उगा सकते हैं। ये सब पत्ते टूट जाने के कारण देख सकते हैं, ये टूट चुका है पत्ता, ये देखिए। तो मैं इसे आज हार्वेस्ट कर लूँगा दोस्तों। तो चलिए मैं मूली को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है वो देख लीजिए। छोटे से पॉट में आप ढेर सारा मूली ले सकते हैं दोस्तों। आज मैं मूली को हार्वेस्ट कर लूँगा दोस्तों। चलिए मैं सबसे पहले मूली को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लाल मूली है, ये लाल वाला मैंने लगाया था जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो इसी तरीके से आप अपने सफ़ेद मूली को भी ले सकते हैं, ये देखिए
देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको हार्वेस्ट कर लेना है। ये देखिए मूली का साइज देख सकते हैं दोस्तों, कितना बेहतरीन है। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप मूली छत पे उगा सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितना ढेर सारा मूली हुआ है, छोटे से पॉट में ढेर सारा मूली ले सकते हैं आप दोस्तों। देख चुके दोस्तों मैंने किस तरीके से बीज से मूली को उगाया और हार्वेस्ट किया। तो ये देखिए, ये लाल मूली है, मैं इसे रख दूंगा सैलड वलड बनाने के लिए। मेरे घर पे जब भी यूज़ होगा तो मैं ताज़ा ताज़ा यूज़ करूंगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये लाल मूली है, ये देखिए, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो है। ये देखिए, ये देखिए, ये भी है, ये भी है। तो ये सब मैं बाद में लगाया था और सफ़ेद को पहले लगा दिया था। ये देखिए, ये सब सूख चुका है, इसे फेंक दीजिए। ये सब पत्ते सूख चुका है दोस्तों, इसको तोड़ के फेंक देना है आपको। तो ये सलाद मैं बाद में बनाऊंगा। तो हार्वेस्ट करना मैं आपको सिखाया और कितने छोटे पॉट में मैंने उगाना सिखाया। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हर चीज़ आपको छोटे से पॉट में अपने टेरेस पर ग्रो करना सिखाऊँ।